अब मिल जाएगी पेमेंट, हो गया। चार बार कहना था आपने, आठ बार कह दिया। तो आज जो हमारे गेस्ट, आपने देखा होगा लोग आते हैं सिल्वर स्क्रीन पर, कोई आता टीवी स्क्रीन पर, ये हाथ में आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन। तो ये जो इंसान है ये ट्यूबों का बादशाह है, रेड ट्यूब, यू ट्यूब, टाइट ट्यूब। कौन सी ट्यूब है जिस पे ये वायरल नहीं है? वो है मोरो। बीच बीच में आपने मोरो के अलावा भी कुछ कहा है ना, मोड़ो मोड़ो कह रहे थे मोड़ो। तो मोरो पाकिस्तान के अलावा कहाँ रह चुके हैं और कितना टाइम? तकरीबन एक साल वैंकूवर में रह चुका हूँ और तकरीबन दो साल ऑरलैंडो में रह चुका हूँ। ठीक है। 18 साल इधर लाहौर में रहा हूँ। ठीक है। पाकिस्तान के अलावा ना हुआ ना। हाँ। फिर वो कराची आ गया। बाकी तो ये किससे भाग रहे थे? अम्मी अब्बू से। क्या डिमांड थी? पाबंदियां लगाई जा रही थी। पाबंदियां, जल्दी घर आ जाना। लड़की कौन है? अच्छा कौन है ये? कौन है लड़की? तो आपने बताया किसकी बेटी है, किस खानदान से आई है? ओ अच्छा, बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड कैसे अच्छा होता है? तो देख के आप पूछते, चेक करते हैं ना, पूछते। इंडिया में जितने लोग इंडिया से आए सब अमीर ही थे वहां पर, क्योंकि आप चेक नहीं कर सकते ना। ये भी है, ये भी है। अरे भाई हम लोग इतना कुछ छोड़कर आए वहां से। सर वहां पे तो हमारे बाप दादे के नाम पे सड़क भी है। तो बात ये कि पाकिस्तान क्यों आए भाई? मैं वापस इंडिया से नहीं। ओ अच्छा, वहां से और न्यू ऑरलैंडो और ये जो आप न्यू मेक्सिको से वापस आए? सर जो आपका रीजन है ना वहां निकलने का, मेरा वो यहाँ रहने का रीजन। तो यानी कि आपकी पाकिस्तान की इमिग्रेशन मिल गई। मुझे पासपोर्ट नहीं मिला था कहीं और का, इसलिए। और उसके अलावा ये भी था कि मेरे पास ऑप्शन थी ग्रेजुएट होने के बाद, कि मैं फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट किया, मैं जा सकता था वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज में कोई इंटर्नशिप करके वहाँ से रैंक्स ऊपर क्लाइम कर सकता था। लेकिन जो कहानियां मैं लिखता था वो उर्दू में होती थी, आपके जोक्स भी उर्दू में ही होते हैं, तो वो रेलेवेंस नैरेटिव की जो थी ना, मुझे खाली पाकिस्तान में ही नजर आ रही। बुशरा अंसारी वहां मौजूद है, नुमान एजाज वहां मौजूद है, आशर अजीम वहां मौजूद है। नुमान एजाज पंजाब में रहते हैं, लाहौर में भजन उनका वहां रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अच्छा जी, मेरे शहर में। Okay. मेरे शहर में सबके पैसा भारी इन्वेस्ट हो रहा है भाई। सर ब्रेन ड्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इससे बेहतर कहने की कोई बात है ही नहीं। ये कह दो, लोगों के अंदर से जाग उठता है वो जुनून नेशनलिज्म का। अच्छा ये एक ही ड्रेनेज सिस्टम है जो पाकिस्तान में ठीक चल रहा है, वो है ब्रेन ड्रेन। वो बहुत स्लो में चल रहा है, वो नहीं फंस रहे नाले। उनकी उन नालों की सफाई नहीं कर रहा कोई, उसमें एनडीएमए नहीं बुला रहा कोई। मुरु बहुत ही सिंपल सवाल है और ये मुझे लड़कों से सवाल करते बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए इस तरह के सवाल। कितने पैसे कमा लेते? अरे नैब नहीं देखते, नंबर नंबर नहीं बता सकता। नंबर नहीं बताओ, अल्फाबेटिकल उसमें बता दो ना, वर्ड्स में बता दो। 10,050 ओनली। गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है, ऐसे सही है। मतलब ये अमीर आदमी का गुजारा कैसे होता है? जब उसका लाइफस्टाइल सपोर्ट हो जाए। लाइफस्टाइल आपका क्या है? मैं घुमा के लाऊंगा रकम आप पे कर। पेट्रोल के खर्चे हैं, पेट्रोल के खर्चे 40,000-50,000 के ये हो गए। गाड़ी की इंश्योरेंस है, गाड़ी की इंश्योरेंस साल की 1.5 लाख। प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स। 1,000 गज का घर है तो समझ लो आप 2,00,000 रुपए। 1,000 गज के? अच्छा इतना होता है? मेरा थोड़ा सा कम है इससे। 1,000 गज से कम है, 950 गज तो तब भी 1.5 लाख। 1.5 लाख ही है? 1.5 लाख साल का? नहीं मेरा टैक्स कम है, वो साइज का मुझे खुद नहीं। आप टैक्स चोरी भी कर रहे हो, चलो 1,20,000 हो गए। टैक्स नहीं मैं जो पे करता हूँ, 100% फाइलर हूँ, एक्टिव फाइलर। वो तो मैं भी हूँ, मगर क्या क्या छुपा के हम फाइल करते हैं ये भी तो बताओ ना। सब बेगम के नाम पे कर दिया होगा। अभी शादी हुई है, इसीलिए हुई है। सब नाम कर करके फिर शादी हुई। सर इसी वक्त सारा सबका सब तो नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ता है ना। कुछ रखा भी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ सब भी। अभी आप थोड़े दिन होने तो भाई पता भी नहीं चलेगा था क्या। नाम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ काम करने के लिए बचेगा इतना काम। अच्छा मुरु ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं कभी यार जो नफरत हो जिनसे, कि यार ये करना पड़ रहा है पैसे चाहिए, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स किए? हाँ हाँ कितने कम, बहुत किए। शुरू में सारे काम ऐसे ही किए थे, अब थोड़ा बहुत होता है लड़ लेता हूँ, वरना पैसे के लिए आपको पता है फिर करने पड़ते हैं काम। अच्छा यूट्यूबर जो है ना वो टीबीएच को क्यों देखा आप? पैसे ये पैसे के लिए करने पड़ते हैं काम अभी। मैं देख रहा हूँ बासित, तू देख रहे हैं ना, तू आप ही ऑफेंसिव हो रहे शख्स। अच्छा ये अच्छा जो यूट्यूबर फ्रेटर्निटी है ये आपस में एक दूसरे से जलती भी है, या ये जो मैंने देखा है आपस में तो बड़ी तारीफ करते, क्या वीडियो बनाई है मुरो, क्या इर्तकाज किया है, क्या अक्कासी की है, क्या ये किया है, दिल से आ रही होती है, हट रही होता है भाई 2,00,000-2,000,000 व्यूज होगा यार। सर मेरी तो हटती है, हटती है। हाँ मैं देखता हूँ, मैं उनका नहीं मैं कुछ कह सकता, इंसानी फितरत का हिस्सा है, जलन होती है, बस जलन को कोशिश करता हूँ कि किसी नेगेटिव
अमल में ना कन्वर्ट हो जाएगा। ट्वीट ना कर दूं बैठ के सारी रात ये ना सोच रहा हूँ फलाने को कैंसर हो जाए। मगर इंसानी फितरत ये है कि आता तो है ना, आता तो है कि नहीं? यार थ्री इडियट्स वालों को देख यार, क्या वीडियो पे 2 मिलियन, मेरी इतनी पढ़ी लिखी वीडियो 12,000, इसमें क्या है जो मेरे में नहीं, इसमें क्या है? कभी किसी ने बताया मेरे में ये है? नहीं तो सोच ही रहे, सवाल ही रह गया। आजकल तो इंटरनेट दिमाग खराब कर दिया, हर किसी को मशहूर होना है, टैलेंट ना भी हो तब भी बस उसको कुछ ना कुछ दिखा के मशहूर हो जाते हैं। कपड़े उतार के आप मशहूर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो रहे हैं लोग। हो रहे हैं। तो मैं भी कर सकता हूँ। अब क्यों नहीं कर रहा? मैंने कोशिश की थी एक दो दफा, हो नहीं पाया, जिस्म ऐसा नहीं निकला। यार आप जिस्म को सही दो, तवज्जो थोड़ी दो, वरना आप में ऐसा क्या है जो नुमान खान में? ऐसा क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा उसके? ये फ्रेंच, ये गोटी, ये नहीं है मुंह पे नहीं, सीने पे बनाई हुई, सीने पे गोटी बनाई हुई, वो भी उसकी अपनी नहीं है, कोई छोड़ के चला गया वो गोटी, वहां कस के पप्पी करी वहीं रह गई गोटी। तो ऐसा कोई यूट्यूबर है जिससे आप अपने आप को स्वैप करना चाहते हैं? यार मैं जुनेद अकरम बन जाऊं और वो मुरू बन जाए, या मैं डकी भाई बन जाऊं या मैं नासिर खान बन जाऊं? जुनेद भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं स्वाप ना करना चाहूँ क्योंकि मैं अपने आप को फिल्म मेकर्स के साथ स्वाप करना चाहता हूँ। मुरू, जब आप अल्लाह की मर्जी से चले जाएंगे दुनिया से, तो जो पीछे बच जाएगी खबर, उसको देखकर लोग क्या कहें कि यार ये शख्स बहुत डैश था? वो कुछ भी ना कहें, चुप रहें। मैं जब तक यहाँ पे हूँ मुझे फायदा है उस चीज़ का, मैं चला गया तो मेरा कोई फायदा नहीं, मैं मिट्टी में मिल गया, व्हाई डू आई केयर? कोई इंकलाब तो नहीं लाना ना। अगर समझ लें एक तरह से एक आईना ही हूँ कि जो चीज़ इनकाउंटर करता हूँ, अभी आज आपसे बात हुई है, कल आपकी तरह का कैरेक्टर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। बासित, मेरे करियर को खतरा है इस शख्स से। छापने का चाइना हो आप? नाम तो आबिश रख देंगे, क्रेडिट मिल गया। चाइना कॉपी है ना, आबिश रख, आबिश रख, आबिश, आबिश रख लेंगे। अच्छा क्या करेगा वो, चाइना का होगा, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ तो होगा, क्या करेगा वो? हंसाते हंसाते एकदम बंद हो जाएगा, क्या करेगा वो? कुछ गलत बात पे हंसा देगा, गलत बात, मुंह में पैर रख लेगा। अगर मौका मिले डुएट गाने का, किसके साथ गाओगे आप? ज़ाहिर शाह का नाम ही लेना, आगे मुझे पता है हर कोई वहीं पहुंच जाता। ज़ेब कहने लगा था आपने, ज़ाहिर शाह कह दिया, ज़ेब बंगश के साथ सिर्फ गाना ही गाना चाहते जी, उनके साथ शादीशुदा आदमी हूँ तो क्या हो गया यार, गाना इसमें क्या, मैं आप क्या समझ रहे थे यार? तो गिटार ही बजा सकते उनके साथ आप, बेस बजा सकते उनके साथ, गजल गा सकते, लेकिन आपने कहा कि शादीशुदा, क्या मतलब था इसका? सर आपने सवाल ऐसे पूछा कि मुझे शायद मुगालता हो गया इस बात पे। अमल का दारोमदार नियत पर है। अच्छा हिस्टोरिकली इतने इवेंट्स हुए हैं दुनिया में, कौन सा ऐसा इवेंट है पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में, तीन बताने, जो आप विटनेस करना चाहेंगे अपनी आंखों से? तो फ्यूचर में देखना चाहूंगा फॉर श्योर, मैं देखना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक पहुंचती है, उसका ज़ेनिथ क्या है, उसकी पीक क्या है, क्या वो मैट्रिक्स वाला माहौल होगा कि हम बैटरियां बना रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा AI जब आएगी तो मतलब जैसे अभी तो हम बॉस के चुक लेते हैं जाके, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर ये है, सर मैं करूंगा, सर मैं हाजिर हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, इसको मैं सिखा दूंगा, ये सब। अब कंप्यूटर आपका बॉस है, आप कैसे मक्खन लगाओगे, कैसे उठाएंगे उसके दोनों स्पीकर उठा लिए, क्या आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? बस काम ही तो उसने मेजर ही वैल्यू करनी है, तो चुकने चुकाने का गेम ही खत्म, गेम खत्म। लेकिन मसला भी तो होगा, क्या मसला? अब मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं बहाना बनाऊंगा, उसको पता होगा झूठ बोल, चेक कर लेगा, बच्चा होने वाला है, उसको पता होगा, कैलकुलेशन कर लेगा अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एल्गोरिथम लगा लिए, इसके तो होगा ही नहीं अभी। मैं सर बच्चा हो रहा है, कद्दू लिखा हुआ आ गया, कद्दू ये तो खाली कारतूस चलाता है। बात जहाँ मैं रहता हूँ मुल्क में, बार बार कनाडा बोलता हूँ, लोग बोल रहे हैं भरत क्यों दे रहे हो इतने कनाडा, और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। जब मैं युगांडा में जो रहता हूँ तो वहाँ पे मैं शेव नहीं करता, ऐसी खुली रहने देता हूँ, वहाँ पे कोई जज नहीं करता ना, यार भिगारी लग रहे, चटसी लग रहे, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई दाढ़ी बड़ी बड़ी है। अब बोल रहा मूंछ का बाल बड़ा होकर अक्सर नाक में टर्न हो जाता है। अब ये आजकल तो पता है लोग छींकने से खांसने से कितना डर रहे हैं, वो टर्न होगा, अब छींके आ जा रहे हैं। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, सबको कह रहा हूँ मास्क पहन के बैठेंगे, सब यूं करके छींकेंगे, कोई यूं करके नहीं छींकेगा। पाकिस्तान में तो कहते हैं ना बेटा मुंह पे हाथ रख के खांसो, हाँ। भाई ये गलत है यार, कोनी रख के खांसो यार, हाथ तो कहाँ कहाँ रख रहे हो आप लोग। आज तक फैन ने, आपको पता है फैन क्या क्या हरकत है, जावेद शेख साहब को फैन ने 5 करोड़ रुपए दिए कि सर आप जाओ फिल्म बनाओ, हम देखते हैं कौन रोकता है आपको। फैन ने दिए, फैन ने दिए 5 करोड़ रुपए, उन्होंने बनाई ये दिल आपका हुआ, वो हिट हुई,
उनको कोई काम नहीं दे रहा था। मुझे भी जावेद शेख वाले ही काम करने चाहिए लग रहा है, क्योंकि ये तो रास्ता बड़ा आसान है। हाँ रास्ता तो आसान है, लेकिन फैन भी तो इतने बड़े हो ना, जो बेल्जियम से चल गए हैं यार। अपने फैन गरीब ही आते हैं सर। सर कैसे हैं तस्वीर सर, आपकी शर्ट बहुत महंगी है, मुझे तो ये मुझे दे दे। मैं आपने शर्ट 1500 रुपए की रखी है इस वक्त। होता है ना, मैं इस वक्त अपने आप को घर पे बैठ के 50 साल का। आप कौन सी एज में घुसे हुए उस वक्त? मिडिल एज्ड। मिडिल एज कितनी होती है? 40 से ऊपर टाइप समझ लें, 40-42। नजर तो गंदी वो आपको पता है, फिर वो हार्मोन्स तो है, वैशत रगों में से दौड़ रही है, खून के अंदर भी चल रही है, हवस बेहतर है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने का मौका मिले, ओके, तो आप क्या बनोगे, क्या चीज होगी जो आप बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक? आपने वो नया कुत्ता देखा है, वो जो उन्होंने बनाया रोबोट, रोबोट कुत्ता देखा है? हाँ, वो बड़ा जबरदस्त है। कुत्ता बनना चाहता हूँ, वो बन रहा हूँ रोबोट। हाँ, वो सबसे एडवांस चीज है, मुझे सबसे एडवांस चीज बननी है। जो सोच रहा हूँ वो आप बन नहीं पाओगे। अच्छा नहीं नहीं मैं सोच रहा था यार। क्या? हैं? क्यों आप नहीं बन पाओगे यार? नहीं वो नहीं, नहीं बन पाओगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो नहीं। आप थोड़े छोटे उसके लिए। जहाज की बात कर रहा हूँ, नया आ रहा है जहाज यार, वो सोनिक स्पीड से जाएगा। कॉनकॉर्ड का कॉनकॉर्ड बाप आ रहा है यार, उसका बाप आ रहा है, बाप आ रहा है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, कोई एंटी फेमिनिस्ट बात कर देगा ना? हो सकता। अच्छा मुझे बताओ गुरु, आपने कभी आज के इंटरव्यू के बाद हम दोनों नहीं रहेंगे, मुझे अभी से लग रहा है 2-3 चीजें एडिट करवा लेनी चाहिए। करा लेना जो करा लेना। तो अब एक इनोवेटिव बात करेंगे, चले दूसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे। सेगमेंट का नाम ही इतना इनोवेटिव रखा है मैंने, क्या होगा गैस करो। इनोवेटिव सेगमेंट नहीं, सेगमेंट टू। इससे भी इनोवेटिव। बहुत ही सेफ सेगमेंट है, जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया, हेलमेट बनाती है। हेलमेट बनाने वाली कंपनी कौन है? ड्यूरेक्स। अच्छा मुरु, क्योंकि आप एक शादीशुदा आदमी नहीं इतना, तो कौन ज्यादा एडवेंचरस है? चरस में ज्यादा ध्यान नहीं देना, एडवेंचरस में एक वर्ड में देना पूरे। एडवेंचरस वो ऐसा होना कि यार आज चलो आप पहाड़ से कूदते हैं। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान आज पहाड़ चढ़ते हैं, आज दरख से कूद जाते हैं। पहाड़ चढ़ने में मेरी बीवी मेरे से ज्यादा आगे कुछ सफर ना, मैं एक दफा बतूरा ग्लेशियर क्लाइंब कर रहा था, वो मेरे से आगे थी और वो वहाँ के नेटिव लोगों के साथ आगे आगे भाग रही थी। तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा, आप यूं ही करके आ रहा हूं मैं, व्लॉग कर रहा हूं, मर रहा हूं, तो वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस है सवाल। ठीक है, आप दोनों में से डर्टी माइंड किसका है? मतलब आप कह रहे हो कि यार नहीं आज जो है ना वो हम वो देखेंगे गॉडफादर, अगला बोले नहीं भाई आज हम रास्ता देखेंगे। इसके बारे में मेरा ओपिनियन ये, कुदरत का डर्टी ट्रिक है। रिप्रोड्यूस आपने करना है ना, करना है आपको। रिप्रोड्यूस करने के लिए एक चीज करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, और वो करने के लिए आपके अंदर एक ख्वाहिश चाहत डाली गई है। वेरी गुड। और वो चाहत कभी खत्म नहीं होती, कुछ लोगों की हो जाती है, शादी भी कर लो वो कुछ लोगों की हो जाती है। इतने हकीम क्यों हैं? तो मेरा ख्याल है कि वो डर्टी ट्रिक जो है ना, वो आपको दिमाग से उसको शट ऑफ करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी देखे आप उसको कहो यार इसके साथ रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे भी। अब दिमाग तो ये चलता रहता है, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस। इंस्टेंट टर्न ऑन क्या है? इंस्टेंट टर्न ऑन, खुशबू सूंगी, खुशबू से तो ऑन है। खुशबू कौन सी, कोई खास खुशबू? कोई सी भी खुशबू, कोई खास नहीं। आपकी क्या खुशबू सुन के टर्न ऑन हो जाते हो? लेवेंडर, वनीला, चलेगा चलेगा। हाँ। लेवेंडर छिड़को जरा, लेवेंडर बस देखते हैं क्या करते हैं लड़का। रिपोडियोस रिपोडियोस रिपोडियोस। कोई गाना ऐसा जो आपको मूड में ले आता हो, मतलब ऐसा जैसे मतलब हसन जहांगीर का कोई गाना, हटो बचो दिल दो जुखा, ऐसा कोई गाना मुझे तो वो टर्न ऑन कर। केयरलेस विस्पर, केयरलेस विस्पर, अच्छा ये बड़ा स्टैंडर्ड गाना है, बड़ा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड गाना सर। उस गाने ने आपको बता दिया कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब यही अभी होगा, यही होगा, यही होगा। जहाँ पे भी वो गाना लगेगा अब ये माहौल है। हाँ। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। हाँ। आप कोशिश करके गाना बंद कर लें, ऐसा ही और कुछ नहीं। अब जा रहे हो रोड पे। रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस। बत्तियां खुली पसंद है या बंद पसंद है? बंद ना। हाँ। अंधेरा ही पसंद है मेरे को। सो जाओ यार, बिल्कुल हल्का सा भी 0 वाट का बल्ब जला दे मेरी आंख खुल जाती।
हाँ मैं ऑफ कर दूँ, नींद नहीं आती आपको लाइटें बंद करके? हाँ बंद होती हैं आप सो जाते। नींद की बात कर रहे थे आप, नींद तो मैं कुछ और सुन रहा हूँ। अच्छा ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप अपनी बेगम के साथ अभी बैठे हैं, मूड बन रहा है, अभी बात हो रही है आप दोनों में, हाँ भाई क्या हाल है, क्या है, क्या है, लाइट बंद है आज, लाइट गई भी म्यूजिक भी ऑन, तो आगे बाहर से दोस्त आ गए, रू नीचे हो जा, इस तरह की आवाजें आती है फ्लैटों में। तो अब बहाना कोई बनाया कभी आज तक यार अभी नहीं आ रहा, अब रोक रहे हैं, अम्मी बीमार हैं, ऐसा कुछ घर पे रहने के लिए? बिल्कुल घर पे रहे हो हमेशा, मेरी बीवी तो मेरा एक्सक्यूज सब बन चुकी है। मेरा भी नहीं दिल कर रहा यार वो, असल में बीवी इजाजत नहीं दे रही, कोरोना के बाद से तो मैं हर चीज ही कोरोना और बीवी पे ही डाल रहा हूं। बेगम इजाजत ही नहीं दे रही, कैमरा बनी हुई है, बिल्कुल कोई इजाजत कुछ नहीं चलेगा, मैं नहीं मिल सकता। कभी कोई टैटू बनवाने का सोचा, कुछ लिखवाने का बॉडी पे? नहीं, अगर लिखवाने का मौका, कोई ऐसा पैगाम नहीं है जो मैं पूरी जिंदगी रखना चाहूँ अपने ऊपर। कल मेरा दिल बदल गया, आज मैंने माइकल जॉर्डन लिखा हुआ यहाँ पे, कल मुझे सचिन तेंदुलकर अच्छा लग रहा है, परसों मुझे शोएब अख्तर लग रहा है, तो फिर वो फिर मिटानी पड़ेंगी ना चीजें। तो भाई इनके अलावा कोई परमानेंट चीज लिख लो ना जो कभी भी हमेशा काम आए। एग्जांपल लो आप मुझसे, आप लिखो यहाँ पेशाब करना मना है। सबसे वाइल्डेस्ट थिंग क्या की है आपने लाइफ में? लाइफ कहूंगा इसको सर, इस तरह पब्लिकली तो नहीं, अब बाद में बता दूं। तो यार तू वही क्यों जा रहा है बार बार? बोलते भाई मैंने यूं मुंह में ग्रेनेड रख लिया था एक बार, खत्म हो गई बात। मैं कब पूछ रहा हूँ कि बता भाई क्या किया है यार। मैंने एक दफा अपने एक दोस्त से लड़ाई हुई थी, उसके फ्रिज में जाके पेशाब कर दिया। तो फ्रिज पे लिखा नहीं था यहाँ पेशाब करना मना है? Ha 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 ha!